हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं मुंबई स्टाइल रगड़ा पेटीज की रेसिपी, जो खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ आलू ले लिया है, जिसको बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 बड़ा चम्मच चावल का आटा, आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, हींग, हींग हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, नमक स्वादानुसार डालेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम एक साथ मिक्स कर देंगे। तो गाइस देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे ऐसे टिक्की का शेप दे देना है। और मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन रख लिया है, आप तवे में भी बना सकते हैं। अब इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। तो गाइस देखिए कितना प्यारा गोल्डन कलर आ गया है इसमें। अब इसी वे में हम सारा पलट देंगे इसमें। वाओ, तो गाइस जो फ्राई हो चुके हैं उसे हम निकाल लेंगे। एकदम क्रिस्पी करारी। तो गाइस देखिए हमारी टिक्की कितनी क्रिस्पी बनी है, देखो इस पे कैसे खरखर सा आवाज आ रहा है। तो गाइस मैंने ये व्हाइट मटर 1 रात भिगा के इसको बॉईल कर लिया है, जिसका अब हम बनाएंगे रगड़ा। तो मैं सेम पैन का यूज कर रही हूँ गाइस। इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे हम और इसमें डाल देंगे अपना रगड़ा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि रगड़ा हमारा जूसी रहता है, ताकि वो उसमें टिक्की में अच्छे से ये ऑब्जॉर्ब कर ले। तो नमक मैंने मटर को बॉईल करते हुए कुकर में ही डाल दिया था, अगर आपने नहीं डाला तो इसमें डाल सकते हैं। ये अब रेडी है, अब चलो हम रगड़ा पेटीज बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं एकदम ठेले स्टाइल में बना रही हूँ, तो इसलिए इसका सर्विंग मैं डिस्पोजल प्लेट में ही कर रही हूँ। तो अब इसमें हम रगड़ा डाल देंगे। तो गाइस आप बताइए, आपको 20 वाला रगड़ा पेटीज खाना है कि 40 वाला? तो मैं 40 वाला बना रही हूँ, तो आप जल्दी से जाइए मुझे कमेंट करके बताइए आप 20 वाला खाएंगे या 40 वाला। मैं होम डिलीवरी भी करती हूँ। चलिए बनाते हैं फिर। तो सबसे पहले मैं इसमें इमली का मीठी चटनी डाल दूंगी। तो गाइस इस पे डालेंगे स्पाइसी तीखी चटनी। इस चटनी की भी रेसिपी हमारे चैनल पे अपलोडेड है, इसकी भी रेसिपी आपको आई बटन पे मिल जाएगी। अब इसके ऊपर थोड़ा सा रगड़ा डाल देंगे, थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा टमाटर और मिर्च, चाट मसाला, भुजा हुआ जीरा, सेव नमकीन और धनिया। इसके ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा तीखी चटनी। तो चलो थोड़ा सा इसको टेस्ट करते हैं। इसका टेस्ट तो गाइस वाह, बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई होम डिलीवरी नहीं करने वाली हूं, इसे आपको खुद ही बना के खाना होगा। और मुझे कमेंट में बताओ कि आपका डिश कैसा बना। तो गाइस मैं तो एंजॉय कर रही हूं घर बैठे मुंबई स्टाइल रगड़ा पेटीज। आप भी बनाओ और करो एंजॉय। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।